दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पेटीएम बिजनेस ऐप है उसका क्या क्या बेनिफिट हैं और उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या उसमें प्रोसेस है इंस्टॉल करने का। तो आइए देखते हैं वीडियो के अंदर। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ से जो पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप को सर्च करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हमें कौन कौन से जो प्रोसेस हैं वो फॉलो करने हैं। ये डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये लैंग्वेज पूछेगा कि हम कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं, तो मैं इसमें इंग्लिश जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट करते हैं। हमें ये ऑप्शन दिखा रहा है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर हमें एंटर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोई भी जो अपना एक पिन है वो जनरेट कर लेना है और उसके साथ लॉगिन हो जाना है। ये सेम जो आपका जो नॉर्मल पेटीएम है वो भी आप उसको भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और इसको वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही वेरीफाई करूँगा तो मैं जो है मेरे पास जो ऐप है जो वो ओपन हो जाएगी और मैं क्लिक करूँगा गेट योर क्यूआर कोड। क्यूआर के लिए उसके लिए हमें फिर से कुछ डिटेल्स इसमें डालनी होंगी, या तो आप अपना आधार नंबर डाल सकते हैं या जो पैन कार्ड नंबर है वो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें अपना पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। और जो पैन कार्ड पे जो नेम है आपका, आपको एक्यूरेट नेम इसके अंदर डालना है जो पैन कार्ड के ऊपर है नाम। और उसको मैं एंटर फॉर बिजनेस डिटेल कर देता हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपको बिजनेस का नाम डालना है। उसके बाद आपको आपकी अगर शॉप है तो आपको शॉप का नाम डालना है। तो मैं एक एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ क्या क्या सेलेक्ट करना है आपको। सबसे पहले बिजनेस में हम एक शॉप डाल लेते हैं जस्ट फॉर स्टार्ट दिस ऐप। और जो शॉप का नेम है उसको हम लिख लेते हैं टैग गुरु। और जो हमारी बिजनेस की जो कैटेगरी है इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें मैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स है जो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको इसमें जो है अपना एड्रेस डालना है जहाँ पे आपकी शॉप है या कोई बिजनेस है जहाँ पे भी है। एड्रेस डालने के बाद हमको आगे बढ़ना है। और उसमें अभी ये क्या है कि जीएसटी नंबर मांगेगा, तो जीएसटी नंबर नहीं है तो हम उसको रहने देंगे क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल। उसके बाद है ऐड योर बैंक। अभी हमें यहाँ पे अपना जो बैंक डिटेल है वो प्रोवाइड करवाना होगा। उसके बाद हमें जो क्यूआर कोड है वो मिलेगा, क्योंकि जो क्यूआर कोड और जो हमारा बैंक है वो दोनों लिंक होंगे। क्योंकि जैसे ही कोई भी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, जो पैसे ट्रांसफ़र करेगा वो डायरेक्टली हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे विदाउट एनी फीस। ये मैंने बैंक नंबर और जो IFSC कोड है वो डाल दिया है। उसके डालने के बाद हम फिर इसको फर्दर ऐड बैंक करेंगे। जैसे ही ऐड बैंक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये देखिए ये मेरा जो है क्यूआर कोड है जो पेटीएम ऐप ने जनरेट कर दिया है। दोस्तों, जो बिज़नेस ऐप है उसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो है कि आप जो अपना पेटीएम अकाउंट है उससे बैंक में जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी जो है चार्ज जो है पे नहीं करना पड़ेगा। और जो ये क्यूआर कोड है इसको आप किसी को भी मैसेज के थ्रू या मेल के थ्रू भेज सकते हैं ताकि वो इजीली इसको स्कैन करके आपके पेटीएम वैलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सके। तो जो ये बिज़नेस ऐप है इसको आज ही यूज करें।